भाई का फोन छूट गया भाई, मिल गया वीडियो बनाने के चक्कर में। यहाँ से अगर आदमी नीचे गिर गए ना तो एक महीने का बेड रेस्ट भाई, पक्का है। क्यों? ये लोकेशन चेक कर लो भाई, ऊपर से पेड़ है और नीचे से हमारी गाड़ी घुस रही है, कितना जबरदस्त सीन है ना। सीधा का टायर सीधा कर। यहाँ पे सब कलाकार है भाई। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो सुबह के 9 बजे उठा हुआ हूँ मैं और अभी बज गई है 1:39, यानी कि लंच करने का टाइम हो गया है। सुबह मैं 9 बजे उठ गया था किस तरह से, आज है 29, तो आज मार्केट ऑफ है भाई। तो हमने कहा चलो आराम से उठेंगे। उठते हमने मैगी हैगी बनाई, चाय बनाई और नाश्ता भी कर लिया था सुबह ही। उसके बाद हम हो गए थे व्यस्त। बताओ हमने क्या क्या काम किया, आप लोगों को बताते एक बार। ये चेक करो भाई, ये मंदिर हमने ऊपर लगा दिया है। पहले मंदिर यहाँ पे था और साथ में भगवान जी की फोटो भी ऊपर लगा दी। और ये देखो भाई, 7 गुड़ों वाले पोस्टर भी हमने ऊपर लगा दिए हैं। और बहुत सारा काम किया हमने, ये चेक करो आप। 3D पोस्टर देखो आप, ऊपर लगा दिया है। ये चेक करो भाई, और उसके अगल बगल 12 सिंह भी लगा दिए हमने। और इस रूम में चेक करो भाई, ये चेक करो भाई, नाइट लैम्प हमने यहाँ पर लगा दिया है। और इसमें पंखा भी था इस रूम पे, तो पंखा भी हमने फिट कर दिया। और ये चेक करो भाई, मिरर यहाँ पे फिट कर दिया। और ये मिरर के साथ स्टैंड है भाई, जैसे तेल तूल रखने के लिए, कंघी कुंगी रखने के लिए। तो फिलहाल हमारी तैयारी हो रही है भरा समझाने की। कुछ दिन पहले हमने ताऊ जी का डिश टीवी फिट किया था, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो अभी वहाँ पे जाना है। चलो चलते हैं, देरी नहीं करते भाई। ऊपर मेरे दोस्त लोग भी जा रहे भरा समय पिकनिक मनाने, और उनने भी बोला भाई पानी लेकर आना, शायद खाना खाना बना रहे होंगे तो उनको पानी की ज़रूरत है। तो मेरे पास कैरी करने के लिए एक प्लास्टिक का बहुत अच्छी बोतल है भाई, दिखाता हूँ आपको, 10 लीटर की ये वाली हमारे कैंपिंग की। ये चेक करो भाई, 2 आ गई। चलो एक ही देते हैं, एक ले जाते हैं। दोस्त लोग पानी मंगा रहे हैं तो इसमें पानी जाएंगे। पहले यहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं, सारी जगह की लाइट ऑन पड़ी है भाई, किचन की, बाथरूम की। और ये चेक करो भाई, हमारे सारा कितना सारा सामान हमारे पास। चलो जी निकलते हैं, देरी नहीं करते भाई। दोस्त लोग फोन करे भाई कहाँ पे है, मैंने कहा पहुँचना हूँ 5 मिनट में, जबकि मुझे लग जाएगा यहाँ से भरा जाने में 1/2 घंटा पूरे। संदीप पहनते भाई, और बाहर वाले बाथरूम में भी हमने मिरर फिट कर रखा भाई, ये भी दिखाता हूँ आपको। ये चेक करो भाई, बढ़िया लग रहा है एकदम। यहाँ भी करते हैं क्लोज। चलो जी घर लॉक कर दिए, चलते हैं। और आज का वेदर आप लोग देख सकते हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं और शायद दोपहर तक या शाम तक, दोपहर तो हो ही रखी है, शाम तक बारिश आ सकती है भाई। और आज का लंच जो होगा हमारा वो होगा भराड़ से। ताऊ जी के लिए फ़ोन कर दिया है और दोस्तों के लिए भी फ़ोन कर दिया भाई कि लंच बना दे भाई, हम आ गए गैरसन से। सुबह से टाइम का पता ही नहीं चला भाई, काम करते करते कब 1:30 बज गई कुछ पता नहीं चला। और ये देखो भाई सामने, ये है भाई भराड़ से, यहाँ जाना हमको अभी, अभी साफ नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, यहाँ से ना फॉगी फॉग होता है इसलिए दिख रहा। अरे चेक करो भाई किलमोड़ी, ये भाई किलमोड़ी दिख रहा है, पूरा पक चुके हैं। ओ पार्टी नहीं मिलता है, विजय को मैंने कॉल कर दी है और मैं पहले पहुंच गया हूँ, अब विजय अभी तक नहीं आया, वो मेरा इंतजार नीचे कर रहा, जबकि रास्ता ये है घर का। हाँ लो जी विजय भी पहुंच गया, अभी भराड़ से लाने गया। फिलहाल विजय कर रहा है ड्राइविंग यहाँ से भराड़ से तक, और उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है आगे आगे, ब्लॉग में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। कुछ दिन पहले जंगल में पूरी आग लग गई भाई, अभी के टाइम पे हम लोग पहुंच गए हैं दिवाली खाल। अरे चेक कर सकता है, छोटा सा मार्केट है,
जी बस पानी भर गया बहुत है क्यों। चल अभी आए चलो जी पानी पानी भर लिया है और यहाँ से भी जाएगा नीचे। ताऊ जी घर यहीं पे है नीचे वाली रोड पे गांव की रोड है हमारी। ये अब लिंक हो चुकी है आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देख दिया होगा मेरा। और यहाँ पे ऊपर हेलीपैड बन रहा भाई ये दीवार दिख रही है ना आपको बड़ी बड़ी ये हेलीपैड वाली दीवार है। जो ये एरिया है ना ये पूरा व्यू पॉइंट पिकनिक पॉइंट सब कुछ है भाई इधर जहाँ उत्तराखंड की राजधानी है ना। तो आप लोग सोच सकते हैं कैसी जगह होगी। जहाँ पे हम नाइट कैंपिंग करने गए थे एक बार तो दोस्तों मेरे वहीं पे है बोलो वहीं पे आ जाओ जहाँ पे तुमने नाइट कैंपिंग की थी हम वहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। और आप आओ जल्दी एक घंटे से कॉल करें मुझे। और रोड देखो भाई आप कैसी है आगे देख रहा हूँ पूरा सीढ़ी रहा रोड है भाई इसकी बार। तो वीडियो तो नहीं बन पाएगी यहाँ फिलहाल कैमरा करते हैं ऑफ फिलहाल ध्यान देते हैं रोड पे तो देख रहे आगे पर ऐसे ही लग रही पूरी डेंजर रोड है भाई। No. और बढ़िया तो ये चेक करो भाई लो भाई ये रहा भाई आप लोगों का पानी। लो जी ये चेक करो भाई लग गए भाई चिकन और चावल भाई चलो खाते हैं बढ़िया सा एंजॉय करते हैं भाई इसके बाद करेंगे डांस। लो जी ये चेक करो भाई जहाँ पे हमने लंच किया था वहाँ पे हमने सफाई सफाई कर ली है अब इसको हम जलाएंगे भाई जो ये कूड़ा करखना है इसको हम जला के तब चलेंगे यहाँ से। चलो जी चलते हैं भाई यहाँ से आप बैठो भाई जानते तुम मेरे साथ बैठो ये तो वो सही चल रही बस तुम्हें आगे तक घुमा के ले जाता हूँ मैं क्यों लो जी गाइस ये देख लो भाई भाई लोग को लिया है मैं जहाँ तक ये हमारे भरत सिंह रोड एंड है ना वहाँ तक लिया है जोन दाग उनको जोन दाग मन यही ड्राइवर हैं गार्डन गार्डन हो गया भाई जो लेके आ सकते हैं। ये लोकेशन चेक कर लो भाई ऊपर से पेड़ है और नीचे से हमारी गाड़ी घुस रही है कितना जबरदस्त सीन है ना ऊपर चेक करो भाई यहाँ पे रोड एंड है और यहाँ से पैदल मार्ग है 5 किलोमीटर का बीच चंद सिंह की समाधि है जहाँ पे तो यहाँ से आपको 5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। चलो जी फोटो वोटो शूट कर ली है अब चलते हैं यहाँ से गाड़ी बैक करते हैं निकलते हैं राजू भाई ठीक है भाई ये लोकेशन चक्रो गाइस
यहाँ से दिख रहा भाई घर से नहीं देखो, यहाँ से अगर आदमी नीचे गिर गए ना तो एक महीने का बेड रेस्ट भाई पक्का है। क्यों भाई का फोन छूट गया भाई, मिल गया वीडियो बनाने के चक्कर में, टूटा तो नहीं है? नहीं 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 टूटा भाई, ठीक है ना, चेक कर लो तुम। ठीक है ठीक ठीक है, साफ कर लो सब, मिट्टी लग गई इसके। चलो जी उस डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमने पिकनिक मनाया था भाई, ये चेक करो ये लोकेशन रही वो वाली, और यहाँ पे क्लास भाई गाड़ी यहीं पे थी, सिर्फ मेरी कार लेके गई थी उधर ऑफ रोडिंग करने भाई। ठीक है तो यहाँ से राजू भाई और कैलाश भाई वो निकल रहे भाई, मैं जाऊँगा यहाँ से ताऊ जी के घर पे क्योंकि बिजी हुई है ना। और बिजी को मैंने सुबह मतलब दोपहर में यहाँ पे छोड़ा था और मैं यहाँ से चला गया था आगे ओ तुलतोली के नीचे। ओहो ताऊ जी का दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो सच इतना ताऊ जी की टीम में थोड़ा दिक्कत आ रही भाई, ऑन करके देखते हैं। ए देखो भाई अमन को घास सारा भाई, क्या है पति है। ए देखो भाई क्या ला रही, कुछ नहीं बिजनेस वर्क भाई, यहाँ उठ गया। क्यों भाई अमन, तो अमन क्या दिगड़ जाए क्या दिगड़ अमन मेरा दोस्त है भाई, क्यों है कि नहीं है। छत में थोड़ा सा ताऊ के टीवी जो है ना रिसीवर सिग्नल कम पकड़ रहा है, इसकी वजह से सही जगह एडजस्ट नहीं हो रहा है ना। विजय चेक कर, हाँ वेरे भाई लो जी फिट एडजस्ट कर दिया है और पूरे सिग्नल आ रहे भाई, अब ताऊ को कोई परेशानी नहीं होगी। ये चेक करो भाई कहाँ से चढ़ के मैं कहाँ जा रखा हूँ, और यहाँ से ऊपर छत में और यहाँ से नीचे जाना भाई। ओ भाई अरे चेक करो भाई पूरे सिग्नल फुल, अब चेक करेंगे सिग्नल है ना 61 62 60 इतना रहा भाई सिग्नल, मतलब ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी दिक्कत थी भाई। चलो भाई हमारे लिए चाय बन गई है, अब चाय पीते हैं बढ़िया सा इवनिंग की चाय। ए चेक करो भाई डॉगी डॉगी ले एक। चलो भाई चाय उठाओ भाई अपने अपनी, ए काटे करे वो चाय पीने के बाद हमारी होगी है तैयारी जाने की, और ताऊ जी आएंगे हमारे साथ भरासर तक, ताऊ जी का काम है पोस्ट ऑफिस तक, तो ताऊ जी हमारे साथ वहां तक आएंगे। फिर से यहां से विजय करेगा ड्राइविंग और हम बनाएंगे वीडियो। ये चेक करो भाई सामने दिख रहा हो आपको, ये है विधानसभा भरासर, फॉगी फॉग हो रखा भी तो इसलिए साफ नहीं दिख रहा भाई। चलो भाई बैठते हैं और निकलते हैं भाई। तो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं भरत सर से, ताऊ जी को पीछे ड्रॉप कर दिया है पोस्ट ऑफिस के सामने, और हमारी तैयारी हुई है घर से जाने की। और यहाँ पे हमें एक बांसुरी वाले उस्ताद दिख रहे हैं। चलो बजाओ बजाओ बना के तो बना के तो यार फिर कहां पे।
ये बजपुर यहाँ पे सब कलाकार है भाई, सब मुरली के कलाकार है भाई, एक एक सब उधार है भाई, सब एक्सपर्ट है भाई यहाँ पे। बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके फिर ओके, मिलते हैं, चलो चलते हैं भाई। अच्छा, ये दूध का दियोला अच्छा। अभी के टाइम पे भराश्रम में ठंड लग रही भाई, लग रही भाई, थोड़ी देर में कमरे में जाके पंखा चलाना पड़ेगा। यहाँ ठंड लग रही, झूठ नहीं बोला भाई मैं। हम यहाँ से घर से जाएंगे ना, फिर वहाँ पे हमको पंखा चालू करना पड़ेगा। ये फर्क है भाई भराश्रम और गैरसम अंतर। तो दोस्तों फिलहाल इवनिंग की बज चुकी है 7:31 भाई। तो फिलहाल सारा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग फिलहाल पहुँच गए गैरसम भाई। तो गाड़ी डालते भाई पार्क में और सारा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपने वीडियो इंजॉय किया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।